हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोष निकमर। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रिडिक्शन के साथ में। साथ ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे तीन ब्रेकआउट स्टॉक जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के वीडियो को। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे हमारे आज के दिन के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के साथ में। शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों, मॉर्निंग में हम लोगों को बैंक निफ्टी में रिजेक्शन जो है वो दिखाई दे रहा था, लेकिन हम लोगों ने 47,188 का लेवल डिस्कस किया था, जिसके नीचे बैंक निफ्टी जो है वीक रहेगा हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन इसके नीचे कोई भी कैंडल गई नहीं थी, काफ़ी अच्छा हम लोगों को बाउंस बैक जो है वो देखने को मिला था। 47,747 के लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ और उसके बाद में काफ़ी शार्प फॉल जो है देखने को मिला था 46,900 के लेवल तक। यहाँ से भी एक बाउंस बैक हम लोग को देखने को मिला, लेकिन कंप्लीट साइडवेज मार्केट उसके बाद में हमें देखने को मिला था। निफ्टी के बारे में अगर बात करेंगे तो निफ्टी ने अपनी पोजीशन को, हमारी जो बाय बो के लेवल थी 22,340 की, इसके ऊपर अपने आप को सस्टेन रखा था। लेवल 2 तक इसने अपसाइड में गया था और यहां से काफ़ी शार्प फॉल हम लोग को देखने को मिला था। 22,300 का यहां पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किया था। कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो हमारी मैजिकल लेवल या फिर यहां पे जो पर्पल कलर का ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाई थी और यहां पे सपोर्ट क्रिएट करके कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट आज हम लोगों को यहां पे देखने को मिला था। यानी कि ओवरऑल इंडेक्स में 2 ट्रेड्स हम लोगों के मॉर्निंग में बने थे, उसके बाद में कम्प्लीट साइडवेज मार्केट देखने मिला था। नवीन फ्लोरिंग के बारे में बात करेंगे तो आज हम लोगों की यह पहली ब्रेकआउट स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस की थी। कोई भी 5 मिनट की कैंडल बाय अबो के हमारे लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई थी। रिजेक्शन के साथ में काफ़ी शार्प फॉल स्टॉक में देखने को मिला, यानी कि पीई साइड में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। कई सारे वीडियोस में मैं आप लोग के साथ में ये भी डिस्कस करता हूँ कि जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसमें से लेवल 3 स्टॉक्स के साथ में और लेवल 4 निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल के लेवल्स होते हैं। सो हम लोगों को यहाँ पर एक रिवर्सल भी जो है देखने को मिला था, लेकिन ये इंट्राडे ट्रेड करने का टाइम नहीं था, सो हम लोग इसे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज के दिन की हमारी दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस की थी। स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो ये जो हमारी अपसाइड की लेवल थी जिसके ऊपर हम लोगों ने बुलिश इसे प्रेडिक्ट किया था, इसके ऊपर या फिर जो हम लोगों की मॉर्निंग वाली जो पहली 5 मिनट की कैंडल का जो लो था उसे पकड़ लीजिए, या फिर जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस स्टॉक में, इसे ब्रेकडाउन जो है वो किसी भी साइड में देखने को नहीं मिला था। कम्प्लीटली रेंज में ट्रेड कर रहा था। सेल साइड में हम लोगों को छोटे से लेवल 1 तक के मूव जो है वो इस स्टॉक में देखने को मिले थे। एशियन पेंट्स थी हमारे आज के दिन की दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक, जिसके बारे में कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। पहली 5 मिनट की कैंडल किसी भी साइड में ब्रेकआउट जो है वो नहीं दे पाई थी। हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला था अराउंड लेवल 1 तक और उसके बाद में अराउंड लेवल 1 तक जो है अपसाइड में गया था। यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकडाउन देखने को मिला था, हालांकि एक्टिवेशन नहीं हुआ था, लेकिन अगर एक्टिवेट हो भी जाता था तो हम लोग इसे कंसिडर नहीं करते थे या फिर ट्रेड भी नहीं करते थे, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड करने का टाइम जो है वो नहीं था। ओवरऑल दोस्तों, इन स्टॉक्स के साथ में हमारी 90% की एक्यूरेसी बरकरार है। मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही मेंटेन करने की। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पर आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। और एक चीज़ गाइस, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी तो एक बार यूट्यूब को स्क्रॉल करके देख लीजिए और टेलीग्राम को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का। आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू, और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। SRF कल के दिन की हमारी पहली ब्रेकआउट स्टॉक जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है वो क्रिएट हुआ है और एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है एंड ऑफ द डे एक अच्छे से वॉल्यूम के साथ में। 2434 के ऊपर ये स्टॉक बुलिश हो सकता है। 2446, 2463 और 2487 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2422 सपोर्ट रहेगा।
इन केस अगर स्टॉक अपसाइड में नहीं जाता है तो 2422 के नीचे वीक हो सकता है, 2410, 2396 और 2383 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2434 रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा नेस्ले इंडिया का। नेस्ले इंडिया में एक ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा सपोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है और उतना ही अच्छा एंड ऑफ द डे इसमें वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ है। 2597 के ऊपर ये स्टॉक बुलिश हो सकता है, 2610, 2624 और 2640 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2584 सपोर्ट रहेगा। इन केस अगर अपसाइड में नहीं जाता है तो 2584 के नीचे स्टॉक वीक हो सकता है, हम लोगों को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। 2572, 2558 और 2541 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2597 रेजिस्टेंस रहेगा। तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगी आइशर मोटर्स की। आइशर मोटर्स में भी ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा सपोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है और एंड ऑफ द डे इसमें एक अच्छा वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ है। 3819 के ऊपर स्टॉक बुलिश हो सकता है, 3831, 3846 और 3862 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 3803 सपोर्ट रहेगा। इन केस अगर स्टॉक अपसाइड में नहीं जाता है तो 3803 के नीचे वीक हो सकता है, 3790, 3775 और 3758 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 3819 रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ के लेनी है। जैसे कि उसमें से पहले चीज़ ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे, क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइस, इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट टाइम्स में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर से बात करें कल के दिन के मेरे मार्केट प्रेडिक्शंस के बारे में तो अभी फिलहाल तो आज हम लोग कंप्लीटली साइडवेज मार्केट जो है वो देखने को मिला था, लेकिन थ्रू आउट द डे इसमें सही से वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है। सो मेरे हिसाब से कल एक अच्छा और बड़ा मूव जो है वो हम लोगों का एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे बहुत ही नैरो रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का निफ्टी का प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है, निफ्टी का सपोर्ट थोड़ा सा दूर है बैंक निफ्टी का, निफ्टी में काफ़ी नैरो जो है वो हो चुका है। सो आइदर किसी भी साइड में इसमें ब्रेकआउट जो है वो पॉसिबल है। एनीवेज हम लोग कोई भी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके नहीं चल रहे, आजकल BTST करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की जो है वो हो चुका है। अब अगर यहाँ पे मेरे प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को नीचे के साइड में ब्रेकडाउन जाने के कल ज़्यादा चांसेस है। अगर ऐसे हो जाता है तो एक अच्छा मूव हम लोग को नीचे के साइड में एक्सपेक्टेड है, अगर ऐसा नहीं होता है तो अपसाइड के लेवल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
22,307 के नीचे निफ्टी यहाँ पे वीक हो सकती है, 22,257, 22,203, 22,155 और 22,086 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 22,347 के ऊपर निफ्टी बुलिश हो सकती है, 22,400, 22,453, 22,505 और 22,555 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। अगर से यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि मैंने अभी कहा था, निफ्टी का जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का थोड़ा सा दूर है, निफ्टी का बहुत ही नज़दीक हम लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बैंक निफ्टी आकर के खड़ी है, इसे ब्रेक डाउन जाना ज़रूरी है। और अपसाइड से अगर बात करेंगे तो जैसे निफ्टी में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। लेवल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो 47,185 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो सकती है, 47,046, 46,884, 46,754 और 46,540 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 47,300 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है, 47,418, 47,574, 47,715 और 47,898 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रिडिक्शन के साथ में साथ ही डिस्कस किए हैं तीन स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए।